महंगा, पेट्रोल महंगा, ये महंगाई कुछ और नहीं है, ये कांग्रेसियों की मानसिकता है और फोकट का प्रोपेगेंडा है। अभी थोड़े दिन पूर्व हमने भाजपा के एक पूर्व मंत्री का बयान सुना था कि बाढ़ के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। फिर एक वर्तमान मंत्री का बयान सुना था कि महंगाई के लिए नेहरू जी का 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से दिया गया भाषण जिम्मेदार है। फिर अभी हमने एक भाजपा के जिला अध्यक्ष का बयान सुना था कि जिसको महंगाई से कष्ट हो अफगानिस्तान चले जाए। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, कोई सेल्फी के 100 रुपये ले लेता है, कोई आरक्षण को चुनौती दे देता है, कोई गड्ढे खोदने लग जाता है, कोई खंभे पे चढ़ जाता है, कोई नाली गटर में उड़ जाता है। तो ये पूरा एक सर्कस बना हुआ है इनका मंत्रिमंडल, इनके नेता इस तरह की उज्ज्वल बयानबाजी देते हैं। हम पहले भी कह चुके हैं कि एक मानसिक चिकित्सालय की आवश्यकता है और वहाँ सबका इलाज होना चाहिए। अब साध्वी जो है वो तो लगातार मारकशक्ता और श्राप और नाथुराम गोडसे देशभक्त, उनके बयान हम सुन चुके हैं। अब वे कह रहे हैं कि महंगाई महंगाई कुछ नहीं, पेट्रोल डीजल ये सिर्फ कांग्रेस की मानसिकता का प्रोपेगेंडा है। अब साध्वी जी जमीन पे चलें, जनता के बीच में चलें, अपनी गाड़ी से चलें तो उन्हें पता चले सरकारी सुख सुविधा से घूमने वाली कभी व्हील चेयर पर चलती, कभी बास्केटबॉल खेलती है, कभी फुटबॉल खेलती है, कभी नृत्य पर थिरकती है। तो साध्वी के तो हम कई रूप देख चुके हैं, वो क्या बोलती हैं उन्हीं को पता, उनकी पार्टी उनको गंभीरता से नहीं लेती। मोदी जी नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं तो साध्वी जी को खुद ही नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ एक अच्छे मानसिक चिकित्सालय का जल्दी भाजपा को शुरुआत करना चाहिए, सब नेताओं को भर्ती कराना चाहिए ताकि इनका ठीक ढंग से इलाज हो सके। आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फार्मेसी मेडिकल एग्रीकल्चर साइंस पैरामेडिकल लॉ एंड मेनी मोर विजिट LNCTU.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।